और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक कोर्ट ने जेल भेजने का फरमान सुना दिया है। कुछ देर पहले ही ईडी उनको कोर्ट लेकर पहुंची थी। रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक अब जेल में रहेंगे। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ईडी ने ये एक्शन लिया था और अब क्योंकि रिमांड खत्म हो गया था, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। पेशी के दौरान उन्होंने कहा था कि पीएम जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे। कोर्ट रूम में जाते वक्त बोले थे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में केंद्रीय एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अब आज कोर्ट में पेशी के बाद एक बार फिर से उन्हें जो फरमान सुना उनको लेकर 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में उनको गिरफ्तार किया था और आज दूसरी बार का जो रिमांड खत्म हुआ उसके बाद फिर से अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया। ईडी कस्टडी आज उनकी खत्म हो गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां कोर्ट रूम में जाते वक्त उन्होंने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं है। ईडी ने उनकी 15 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त अरविंद केजरीवाल ये भी कहते नजर आए कि पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। 15 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहेंगे। तिहाड़ जेल में उनको लेकर पेशी से पहले ही मीटिंग भी चलने की खबर थी कि किस बैरक में उनको रखा जाएगा, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री वो अभी भी हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं, वहीं से दिशा निर्देश अपने मंत्रियों को दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल रहेंगे। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में उनको गिरफ्तार किया था। आज ईडी की कस्टडी उनकी खत्म हो रही थी। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत ईडी की तरफ से मांगी गई थी। कोर्ट रूम जाते वक्त अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने उन पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। लगातार समन पर समन दिए जा रही थी ईडी, लेकिन किसी समन का जवाब नहीं दिया। आखिरकार ईडी उनके घर पहुंची, कुछ घंटों की जांच पड़ताल पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। कोर्ट ने 21 मार्च को गिरफ्तार करने के बाद उनको 28 मार्च तक हिरासत में भेजा, उसके बाद हिरासत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया और आज कोर्ट की तरफ से 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा।